एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस इंडियन ब्यूटी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं क्या शेयर करने वाली हूँ आपने टाइटल से देख ही लिया होगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, सावन आ गए हैं और सावन में सोमवार के व्रत का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। ऐसे में फ्रेंड्स, जो भी सुहागन व्रत रखती हैं तो वह काफ़ी लाभकारी और शुभ माना गया है। करी तो फ्रेंड्स, कैसे रेडी होकर आप व्रत कर सकते हैं, मैं आज इस वीडियो में आपको यही बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डिले के मैं आपको दिखा देती हूँ यह मैंने आज मेकअप कैसे करा है और आप इसी तरह से मेकअप कर सकते हैं। चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसके लिए तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए सीटीएम रूटीन जरूर अपना लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने क्लींजिंग और टोनिंग कर ली है सीटीएम में। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको मॉइस्चराइज करके दिखाऊंगी अपनी स्किन को। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर लोटस का मॉइस्चराइजिंग क्रीम ले रही हूँ और इसे मैं अपने पूरे फेस पर अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी। फ्रेंड्स, ये हर स्किन टाइप को सूट करता है, आप अपने मॉइस्चराइजिंग क्रीम ले सकती हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लूँगी। फ्रेंड्स, आपकी स्किन पर मेकअप ज़्यादा देर तक टिका रहे और उस आपकी स्किन हेल्दी भी रहे, उसके लिए आप प्राइमर जरूर अप्लाई कीजिए। अगर आपके पास मार्केट का कोई प्राइमर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं प्राइमर के तौर पे एलोवेरा जेल का ही यूज़ करती हूँ और मैं इसे भी अपने पूरे फेस पर अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी। और उसके बाद फ्रेंड्स, आप अपना रूटीन अपना लीजिए। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे थोड़े से डार्क सर्कल्स हैं, तो उसको हाइड करने के लिए तो मैं यहाँ पर ऑरेंज आपको करेक्टर लगाना होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ले रही हूँ ऑरेंज लिपस्टिक, जिससे मेरे डार्क सर्कल्स पूरी तरह से हाइड हो जाते हैं। तो आपने इस तरह से फ्रेंड्स, अगर आपके पास कलर करेक्टर नहीं है तो आप इस तरह से ऑरेंज लिपस्टिक भी लगा सकते हैं और इसको फ्रेंड्स आपने इस तरह से डैब डैब करना है। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे भी आपके ब्लैक स्पॉट्स हैं या फिर डार्क सर्कल्स हैं, आप उस पर ऑरेंज कंसीलर लगा लीजिए और उसके बाद आप कंसीलर लगाइए। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कंसीलर लगा लेती हूँ। कंसीलर मैं ओलिविया का लगा रही हूँ, मेरा 03 शेड है। यहाँ पर वेट स्पॉन्ज लूँगी इसे पूरी तरह से लगाने के लिए। तो मैं इस तरह से सबसे पहले डार्क सर्कल्स पर इस तरह से कंसीलर लगा लूँगी। से फाउंडेशन के तौर पे भी लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इसे फाउंडेशन के तौर पे भी लगा सकते हैं इस स्टिक को, इसका बहुत ही अच्छे इफेक्ट आते हैं। तो अब मैं इसे वेट स्पॉन्ज की मदद से डैब डैब करूँगी। अब यह बेस लग गया है। अब उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आई मेकअप कर लेती हूँ। मेकअप करने से पहले भी कंसीलर अपनी पूरी ऊपर की आईज पे लगा लीजिए ताकि आपके जो आई शेडो है वो लॉन्ग लास्टिंग बने। तो इस तरह से मैंने यह कंसीलर लगा लिया है। और फ्रेंड्स, उसके बाद आप एक ब्रश लीजिए और ब्रश की हेल्प से यहाँ पे मैं गोल्डन शेड, मेरे इसमें कलर में है तो मैं गोल्डन शेड की आई शेडो लगा लेती हूँ। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे हैंड से भी लगा सकते हैं, जो भी आपके शेड है आप उसके अकॉर्डिंग इस तरह से गोल्डन शेड लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं गोल्डन शेड लगा रही हूँ। तो मेरा रेड कलर है वो मैं आईलाइनर में दूंगी। सबसे पहले मैं अपना ब्लैक आईलाइनर लगा लेती हूँ। मेरा ब्लैक आईलाइनर लग गया है। अब मैं इसी के ऊपर रेड इस तरह से आईलाइनर ब्रश से ही रेड आई शेडो लगा लूँगी।
आईज़ के ऊपर भी रेड आई शेडो लगा ली है, और उसके बाद फ्रेंड्स मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से अपने पूरे मेकअप को सेट कर लूँगी। यहाँ पे मैं मेबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और अच्छी तरह से आपके पूरे मेकअप को सेट कर लेता है। तो फ्रेंड्स मैं ब्लशर लूँगी और मैं कंटूरिंग और हाइलाइटिंग नहीं करूँगी क्योंकि मैं नॉर्मली ही डेलीवेयर टाइप की मेकअप कर रही हूँ। मेकअप करूँगी और फ्रेंड्स उसके बाद मैं लिपस्टिक लगा लूँगी। यहाँ मैं LA18 का रेड शेड ले रही हूँ, शेड नंबर R32। उसके बाद आपका मेकअप अधूरा है अगर सिंदूर के बिना, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं सिंदूर भी लगा लूँगी। इस तरह से जस्ट भर लेना है। तो फ्रेंड्स यह है मेरा फुल मेकअप लुक, आप देख सकते हैं। इस तरह से आप घर पर ही मेकअप कर सकते हैं और इस तरह से आप हेयर डू बना सकते हैं और सावन के सोमवार व्रत वाले दिन अपना व्रत पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, और मैं आपको कैसी लग रही हूँ मुझे यह भी कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय यू ऑल, टेक केयर।